राम राम जी। आज एक छोटी सी रियल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आपने इस स्टोरी से जो शिक्षा मिलती है उसको अपने लाइफ से कनेक्ट कर लिया, खुद से कनेक्ट कर लिया, तो आपकी लाइफ सेट हो सकती है। दोस्तों रियल स्टोरी है, कोई काल्पनिक स्टोरी आपको नहीं बता रहा हूं। एक बार एक लड़का होता है बेंगलोर में काम करता है, जॉब करता है वो, और रात को ड्यूटी करने के बाद बाइक लेकर अपने घर के लिए निकलता है। रास्ते में बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है दोस्तों। उसने बहुत कोशिश की, कभी बाइक को इस साइड करता है, कभी इस साइड करता है, और बहुत किक पे किक मारता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। बहुत प्रयास किए, बहुत ट्राई की लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। आखिर में उसने फैसला लिया कि बाइक को पैदल ही लेके चलते हैं घर पे। घर था 12-13 किलोमीटर दूर, ठीक है, रात का समय था। बाइक 2-3 किलोमीटर उसने पैदल चलाई, बहुत थक चुका था, हार मान ली थी दोस्तों, शरीर काम करने जैसा नहीं रहा था, ठीक है। तो एक घर के सामने प्याऊ पे पानी पीता हो, तो बुजुर्ग अंदर से बाहर निकलता है, एक लड़का जो बूढ़ा आदमी बाहर निकलता घर से और बोलता, बेटा इतनी रात को यहाँ पे क्यों बैठा है और क्या हो गया? तो लड़का बताता कि मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और बाइक अब स्टार्ट नहीं हो रही है, इसलिए पैदल पैदल लेके जा रहा हूं। तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा तू एक बार फिर ट्राई कर। तो लड़का कहता है, मैंने पहले ही बहुत ज्यादा ट्राई कर चुका हूं और मैं थक चुका हूं, अब मैं ट्राई नहीं कर सकता। तो लड़के ने वास्तव में कोशिश बहुत कर ली थी, लेकिन बुजुर्ग के प्रेशर देने से एक बार फिर उसने कोशिश की, बाइक को टेढ़ी की और बाइक को सीधा करके किक मारी, बाइक स्टार्ट हो जाती दोस्तों। तो तब वहां से चलता है लड़का, फिर सोचता, यार मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता वहीं पे तो शायद बाइक चालू हो जाती, तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी मेरे को थकना नहीं पड़ता जितना मैं अब थका हूं, यदि मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता वहां पे। तो दोस्तों इसकी सीख यही है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई नहीं बना कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई कीजिए, इस बार काम आपका पक्का बन जाएगा। दोस्तों थॉमस एडिसन ने जब बल्ब का आविष्कार किया था, 1000 बार फेल हुए थे, तब आखिरी बार एक बार और ट्राई किया उन्होंने, फिर जाके बल्ब का आविष्कार हो गया। यदि वो ट्राई नहीं करते तो बल्ब नहीं बनता। तो दोस्तों इस वीडियो का मकसद यही है कि आप अपनी लाइफ से ये चीज कनेक्ट कर लीजिए कि एक बार फिर करते हैं, एक बार फिर ट्राई करें, क्योंकि किसी पढ़े लिखे इंसान ने कहा है कि कभी कभी गुच्छे की जो लास्ट चाबी होती है, जो अंतिम चाबी होती है, वो ताला खोल देती है दोस्तों। इसलिए आपको कोई भी काम करें, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर ट्राई कीजिए, इस बार पक्का हो जाएगा। और आपसे कनेक्ट इसलिए है, आप हरियाणा पुलिस में नहीं लगे, आप हरियाणा ग्रुप डी में नहीं लगे, तो कोई बात नहीं, आप एक बार फिर ट्राई करो, फिर कोशिश करो, इस बार बात बन जाएगी दोस्तों। उम्मीद है आपको जो इस वीडियो का मकसद था वो समझ में आया होगा। दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, केटीडी टीवी लोग नाम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज आप उस चैनल पे भी सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपने यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।